वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया प्रोजेक्ट। ये देखिए, यहाँ पे हेलिकल टाइप हमने कैम शाफ्ट क्रिएट किए हैं। यहाँ 4 नंबर ऑफ कैम हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, जिसके एंगल सारे डिफरेंट टाइप है, देखिए इस तरह से। तो इसमें हमने सॉलिड वर्क्स के फीचर टूल्स यूज किए हैं, रिवॉल्व बॉस, रिवॉल्व कट, फिर यहाँ पे लॉफ्टेड कट, चैम्फर, फिलेट, इस तरह से सब अलग अलग बेसिक टूल्स हमने यहाँ पे यूज़ किए। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसका सबसे पहले हम 2D ड्राइंग देख लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा 2D ड्राइंग है। इसमें देखिए, यहाँ पे फ्रंट व्यू हमने यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे मेंशन किया है हमने फ्रंट व्यू। फिर ये यहाँ पे लेफ्ट व्यू है, फिर यहाँ पे ये इसका राइट व्यू है, फिर यहाँ पे सेक्शन व्यू है, जिसमें यहाँ पे टीथ है वो इसके यहाँ पे हमने मेंशन किए, जिसका ऊपर का डिस्टेंस है 5 mm और अंदर का जो है डिस्टेंस वो 2 mm है। तो और इसका देखिए, ये कैम शाफ्ट है, जो कैम हमने क्रिएट किया है, इसके सारे डायमेंशन यहाँ पे अप्लाई किए। आपको ये ड्राइंग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच, फिर यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट हमें टिक कर देना है, और यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट से इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पे लाइन टूल फिर से एक्टिवेट करेंगे, और यहाँ पे इस तरह से हमें एक स्केच क्रिएट करना है। अब हम इसे डिफाइन कर देते हैं, इसके डायमेंशन अप्लाई करेंगे, इसकी लेंथ रहेगी 15 mm। यहां पे इसकी भी लेंथ 15 mm रहेगी, इसका डिस्टेंस रहेगा 100 mm। अब इसके डायमीटर हम अप्लाई करेंगे, इसका डायमीटर रहेगा 30 mm। यहाँ पे 85 mm, ये सारे डायमेंशन हमने मिलीमीटर में अप्लाई किए, और यहाँ पे इसका डायमेंशन रहेगा 25 mm। तो देखिए, इस तरह से हमने इसके सारे डायमेंशन यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब हमें फीचर में जाना है, और यहाँ पे रिवॉल्व बॉस बेस अप्लाई करेंगे, यस। और यहाँ पे देखिए, इसकी एक्सिस लाइन यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है 360 डिग्री, ओके। अब यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच, फिर यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करेंगे, इस तरह से एक और यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर देना है, इसे सिलेक्ट करना है, ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है और वर्टिकल कर देना है। ये बड़ा वाला सर्कल है, इसका डायमीटर रहेगा 35 mm। और इसका रहेगा 15 mm। डिस्टेंस यहां से इस सर्कल के दोनों के बीच की गैप रहेगी 20 mm। अब हमें यहां पे क्या करना है, 3-point arc एक्टिवेट करना है, इस टूल को यहां पे इस तरह से ड्रॉ करना है। इस आर्क को सिलेक्ट करना है, और सर्कल को सिलेक्ट करना है, और टेंजेंट रिलेशन दे देना है। इसी तरह से फिर से इस बड़े वाले सर्कल के साथ इसका रिलेशन टेंजेंट कर देना है, और ओके करना है।
फिर यहाँ पे इसकी रेडियस रहेगी 32 mm, और ओके करना है। फिर यहाँ पे देखिए मिरर एंटिटी में जाना है। बिफोर मिरर मिरर एंटिटी आपको यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें मिरर एंटिटी में जाना है, फिर इस आर्क को सिलेक्ट करना है और मिरर अबाउट दिस लाइन और ओके करना है। फिर आपको ट्रिम एंटिटी एक्टिवेट करनी है, पावर ट्रिम। फिर यहाँ पे अननेसेसरी जो आर्क है इसे ट्रिम कर देना है और ओके करना है। अब हमें फीचर में जाना है और यहां पे देखिए एक्सट्रूड पॉज पेज अप्लाई करना है। यहां पे इसकी विड्थ रहेगी 10 mm रिवर्स, और यहां पे देखिए इस फेस से इसकी गैप हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग 20 mm डिस्टेंस चाहिए, तो हमें यहां पे स्केच प्लेन अभी सिलेक्ट है तो यहां पे ऑफसेट करेंगे, फिर यहां पे 20 mm अप्लाई करना है। ये देखिए हमें रिवर्स साइड में करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से देखिए 20 mm एक्सट्रूड हो गया है। बट यहाँ पे देखिए मर्ज रिजल्ट, इसे अनटिक करना है और ओके करना है क्योंकि हम इसके साथ अभी मर्ज नहीं करेंगे, ये अलग से हमने बॉडी क्रिएट की है। अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट एडिटिंग में जाना है। डायरेक्ट एडिटिंग में राइट क्लिक करके आप टैब टैब में जाके यहाँ पे ये देखिए डायरेक्ट एडिटिंग आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, इसे एक्टिवेट करना है। डायरेक्ट एडिटिंग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए मूव कॉपी बॉडीज, इसे सिलेक्ट करना है। फिर हमें क्या करना है, इस वाले जो हमने एक्सट्रूड बॉस अप्लाई किया था कैम वाला, इसे सिलेक्ट करना है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए कॉपी, अब हमें ये कॉपी करना है तो यहाँ पे कॉपी को सिलेक्ट करना है। फिर इसका डिस्टेंस कितनी गैप रखनी है दोनों के बीच की, तो हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे 20 mm है तो हम यहाँ पे 20 mm अप्लाई करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए हमें 4 नंबर ऑफ कैम चाहिए, तो यहाँ पे इसके जो नंबर है यहाँ पे 1, 2 और 3 देखिए इस तरह से, फिर ओके कर देना है तो हमारे 4 कैम यहाँ पे क्रिएट हो गए। बट ये इसका एंगल हमें सेट करना पड़ेगा अभी अलग से, तो फिर से क्या करेंगे यहाँ पे मूव कॉपी बॉडी फिर से एक्टिवेट करना है हमें। फिर यहाँ पे इस वाले कैम को हमें सिलेक्ट करना है, बट यहाँ पे देखिए हमें कॉपी नहीं करना है तो कॉपी को अनटिक कर देना है। फिर आपको जाना है यहाँ पे रोटेट में। अब रोटेट में जाने के बाद यहाँ पे वाई एक्सिस, जो वाई वाले वाई वाला जो सर्कुलर है इसे 0 कर देना है तो ये सेंटर आ जाएगा इसका, एक्स एक्सिस 0। अब इस वाले पोर्शन को इस तरह से मूव करवाना है इस तरह से, तो यहां पे हम एक्स एक्सिस में 90 डिग्री करेंगे रिवर्स, तो यहां पे हम 270, तो देखिए इस डायरेक्शन में आ गया और सिंपली हमें ओके कर देना है देखिए इस तरह से। अब फिर से मूव कॉपी बॉडी में फिर से इस वाले कैम को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना नहीं है हमें, हमें रोटेट करना है। तो फिर से यहां पे 5 mm है तो इसे 0 कर देते हैं। अब हमें इस तरह से इसको मूव करना है नीचे की साइड में, इसका डायरेक्शन इस तरह से। अब यहाँ पे 180 डिग्री आपको अप्लाई करना है और ओके करना है देखिए इसका डायरेक्शन। अब इस वाले को इस ये वाला जो है इसका एंगल हमें इस साइड में लेना है, तो फिर से मूव कॉपी बॉडी इस कैम को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे 0 हमें एक्स एक्सिस से इसे रोटेट करवाना है, तो एक्स एक्सिस से यहां पे देखिए एक्स एक्सिस में हमने
ये वाई एक्सिस में जीरो कर दिया है। अब यहां से इस तरह से इस साइड में हमें ले जाना है, तो यहां पे हम टाइप करेंगे 90 डिग्री और ओके करना है। देखिए इस तरह से हमारे सारे कैम प्रॉपर तरीके से सेट हो गए हैं। देखिए हमारे सारे डायरेक्शन जिस हिसाब से हमें सेट करने थे वो हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कमांड टाइप करना है कंबाइन। यहाँ पे देखिए कंबाइन कंबाइन को एक्टिवेट करना है इस कमांड को। फिर यहाँ पे जो भी हमारी बॉडी है उसे सिलेक्ट कर देना है। तो हमारी फर्स्ट वाली बॉडी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यहाँ पे चार कैम और ये मेन बॉडी, इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऐड और ओके कर देना है। तो इस तरह से ये हमारी सिंगल बॉडी क्रिएट हो गई है। देखिए अब फिर से हमें क्या करना है, फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कुछ कट्स हमें लगाने हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट आर्क सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से। फिर यहाँ पे इसकी गैप रहेगी 2 mm। और इसकी रेडियस रहेगी 1 mm। फिर यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करनी है, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए मूव एंटिटी, मूव एंटिटी में जाके यहाँ पे कॉपी एंटिटी इसे सिलेक्ट करना है। कॉपी एंटिटी में यहाँ पे हमारा ये वाला आर्क और लाइन इसे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे फ्रॉम टू, तो यहाँ पे किस पॉइंट से हमें सिलेक्ट करना है, तो इस वाले पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे सेट करना है। फिर सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और एक लास्ट में यहाँ पे इस तरह से, फिर ओके कर देना है। इसे हम अभी डिलीट कर देते हैं। अब फिर से हम यहाँ पे कॉपी एंटिटी सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस आर्क को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे इसके पॉइंट को सिलेक्ट करना है, किस पॉइंट से हमें कॉपी करना है, तो इस वाले पॉइंट को यहाँ पे इस तरह से टेंजेंट कर देंगे, सॉरी कोइंसिडेंट रिलेशन यहाँ से हो जाएगा इस तरह से, और ओके करना है। देखिए इस तरह से सारे हमारी एंटिटी यहाँ पे सेट हो गई है। अब हमें यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, फिर फीचर में जाना है और यहाँ पे रिवॉल्व कट अप्लाई करना है। देखिए इस तरह से हमारे सारे कट्स यहाँ पे हो गए हैं और ओके कर देना है। देखिए इस तरह से ये सारे कट्स यहाँ पे अप्लाई हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे चैम्फर अप्लाई करनी है, चैम्फर में यहाँ पे 1 mm इस फेस पर और इस फेस पर, फिर ओके करना है। फिर से हम चैम्फर अप्लाई करेंगे, यहां पे 0.5 इस वाले कैम कैम पर हमें अप्लाई करनी है। फिर सेकंड, थर्ड,
थर्ड एंड फोर्थ, फिर ओके कर देना है। अब हमें क्या करना है, यहां पे रेफरेंस एंड ज्योमेट्री में जाना है, यहां पे प्लेन क्रिएट करना है। तो प्लेन में सबसे फर्स्ट वाली फेस ये सिलेक्ट करेंगे और रेफरेंस सेकंड वाली फेस ये, तो इसके बीच में एक प्लेन क्रिएट हो जाएगा, फिर ओके कर देना है। अब यहां पे हम टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच, यहां पे प्लेन को हम अभी हाइड कर देते हैं। फिर यहां पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर से एक लाइन यहां पे ड्रॉ करनी है इस तरह से। अब हमें इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, सेंटर लाइन वाली पॉइंट को सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन मिड पॉइंट कर देना है, और यहां पे इसका एंगल रहेगा 30 डिग्री। हमारे टीथ हम यहां पे जो क्रिएट करने वाले हैं हेलिकल, वो 30 डिग्री में क्रिएट होंगे, और ओके करना है, फिर इसे एग्जिट कर देना है। अब हमें क्या करना है, यहां पे देखिए कर्व वाले ड्रॉप डाउन में जाना है और यहां पे प्रोजेक्ट कर्व इसे एक्टिवेट करना है। फिर यहाँ पे जो स्केच है उसे सिलेक्ट करना है, तो हमने ये लाइन क्रिएट की थी और कौन सी फेस पर हमें ये प्रोजेक्ट कर्व अप्लाई करना है, तो इस वाली फेस पर अप्लाई करना है और ओके करना है। तो देखिए इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट कर्व इस वाली फेस पर अप्लाई हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस वाले प्लेन को सिलेक्ट करना है और एडिट स्केच, स्केच क्रिएट करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करेंगे और एक सेंटर लाइन क्रिएट करेंगे। इस तरह से एक सेंटर लाइन क्रिएट करनी है। अब इसका डायमीटर रहेगा 88 mm, 88 mm, और एक और सर्कल हम यहां पे ड्रॉ कर देते हैं। इसका डायमीटर रहेगा 80 mm, इस तरह से, और ओके करना है। फिर यहां पे थ्री पॉइंट आर्क एक्टिवेट करेंगे, मिरर, मिरर एंटिटी में आर्क को सिलेक्ट करना है और ये वाली सेंटर लाइन सिलेक्ट करनी है और ओके करना है। अब फिर से एक सेंटर लाइन यहां पे ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन, और इसे भी मिरर कर देना है। अब हमें इसकी गैप अप्लाई करनी है, यहां पे किसकी गैप रहेगी 5 mm, और यहां पे इसकी गैप रहेगी 1 mm। और ओके करना है। फिर यहां पे देखिए इस वाले आर्क को सिलेक्ट करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है और मेक रिलेशन टेंजेंट। तो इस तरह से हमारा स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया है। अब यहां पे ट्रिम एंटिटी, फिर पावर ट्रिम, अननेसेसरी लाइन को डिलीट कर देना है और ओके करना है। यहाँ पे 5 की जगह हम 6 mm अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे ड्राइंग के हिसाब से यहाँ पे
5 एम एम टीथ, यहाँ से इस इन दोनों के बीच की गैप 5 एम एम है, तो यहाँ पे इसका डायमीटर हमने 88 लिया है, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से ऊपर वाला ये इन दोनों की बीच की गैप 6 एम एम होनी चाहिए, फिर ओके करना है। अब इस तरह से देखिए हमारा स्केच क्रिएट हो गया है, अब एग्जिट कर देना है इसे। अब हमें क्या करना है, जो हमने स्केच क्रिएट किया है उसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है, फिर हमें इस वाली फेस को कंट्रोल की आपको कीबोर्ड पे जो है उसे होल्ड करके रखना है, फिर इस फेस को सिलेक्ट करना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इंसर्ट मेनू में जाना है, फिर यहाँ पे ड्राइव्ड स्केच इसे एक्टिवेट करना है, फिर देखिए आपका जो स्केच है वो यहाँ पे इस फेस पर अप्लाई हो गया है, बट यहाँ पे अभी फुली डिफाइंड नहीं है, तो इसे क्या करना है, इस तरह से ड्रैग करके इसके साथ ओरिजिन पॉइंट को इसके साथ मिला देना है, यह अभी सेट हो गया है। अब देखिए यहां पे इसे इसे हम सेट करेंगे, इस वाले स्केच को सिलेक्ट, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, फिर यहां पे होल्ड कंट्रोल की, फिर जो हमने प्रोजेक्ट कर्व सिलेक्ट क्रिएट किया था उसे सिलेक्ट करना है और फिर पियर्स कर देना है, देखिए इस तरह से, और ओके करना है, फिर एग्जिट कर देना है। तो सेम प्रोसेस ऐसे ही इसके बैक साइड में भी हमें अप्लाई करनी है, जो हमने स्केच क्रिएट किया था स्केच को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की होल्ड करना है, फिर फेस को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट मेनू में जाना है, ड्राइव स्केच अप्लाई करेंगे, नॉर्मल व्यू, फिर से हम इसे इस तरह से यहाँ पे सेट कर देंगे और इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है, फिर होल्ड कंट्रोल की इस वाले प्रोजेक्ट कर्व को सिलेक्ट करना है और फिर मेक रिलेशन पियर्स और फिर ओके कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारे तीनों स्केच यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है आपको फीचर में जाने के बाद यहाँ पे लॉफ्टेड कट सिलेक्ट करना है, देखिए इस तरह से लॉफ्टेड कट सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे फर्स्ट वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और थर्ड वाला इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, फिर ओके कर देना है, देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पे इस प्रोजेक्ट कर्व को हाइड कर देते हैं और हमारा देखिए यहाँ पे कट अप्लाई हो गया है। अब हमें यहाँ पे सर्क्यूलर पैटर्न में जाना है, आपका फीचर जो भी था उसे सिलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पे कट वाला फीचर लॉफ्टेड कट हमें सिलेक्ट करना है और हमें इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है। अब हमें कितने इसके पैटर्न कितने चाहिए यहाँ पे टाइप करने हैं, तो हम यहाँ पे हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग 80 नंबर ऑफ पैटर्न और फिर ओके करना है। कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए हमें थोड़ी वेट करनी पड़ेगी, सिस्टम अपने हिसाब से ये कैलकुलेट कर रहा है। देखिए इस तरह से हमारे सारे टीथ यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं, तो लुक वाइज बहुत ही अच्छा कंपोनेंट लग रहा है ये। अब थोड़ा सा और इसमें कुछ कट्स दे देते हैं, यहाँ पे देखिए सेंटर नहीं है, यहाँ पे कट सेंटर हम अप्लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच, फिर यहाँ पे एक सेंटर लाइन क्रिएट करनी है, इस तरह से, फिर यहाँ पे लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करना है इस तरह से। अब इसके डायमेंशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से इसकी डिग्री रहेगी, इसका एंगल रहेगा 30 डिग्री, फिर यहाँ से इसका डायमीटर 6 एम एम, फिर टोटल लेंथ यहाँ से
7 mm, इसका डायमीटर रहेगा 3 mm, और यहां से इसका डायमीटर रहेगा 6 mm. इस तरह से अब यहां से इस लाइन का एंगल रहेगा 45 डिग्री. देखिए इस तरह से हमने यहां पे कट सेंटर का जो कट लगाना है वो ड्रॉ कर दिया है. फिर एक और लाइन यहां पे आगे से इसे क्लोज कर देना है और ओके करना है. फीचर में जाना है, फिर यहां पे रिवॉल्व कट अप्लाई करेंगे, यस और ओके करना है. देखिए इस तरह से यहां पे लुकवाइज अच्छा दिख रहा है हमारा कंपोनेंट. जिस हिसाब से इंजीनियरिंग लाइन में जो कंपोनेंट क्रिएट करते हैं उस हिसाब से यहां पे क्रिएट कर दिया है हमने. फिर यहां पे मिरर एंटिटी, मिरर में जाना है. मिरर हम यहां पे इसका मिरर रहेगा राइट प्लेन, और यहां पे इसका फीचर कट रिवॉल्व और ओके. तो यहां पे देखिए दोनों साइड में कट सेंटर लग चुका है. अब यहां पे भी हमें कट लगाना है, तो यहां पे सर्कल क्रिएट कर देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड. 70 mm एंड 45 mm. फिर फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है. एक्सट्रूड कट अप टू 1 mm, आपको 1 mm यहां पे कट लगाना है डीप में. और देखिए यहां पे इस तरह से कट लग चुका है. आप फिर से मिरर में जाएंगे. मिरर में जाने के बाद यहां पे हमने जो प्लेन क्रिएट किया था उस प्लेन को सिलेक्ट करना है, प्लेन 1. फिर यहां पे फीचर कट एक्सट्रूड और ओके करना है. फिलेट अप्लाई करेंगे यहां पे. फिलेट हमारी रहेगी 1 mm, और यहां पे अंदर वाली एज को सिलेक्ट करना है. फिर यहां पे इस वाली एज को सिलेक्ट करना है. इसी तरह से हम बैक साइड में भी हम सिलेक्ट कर देते हैं और ओके करना है. तो देखिए इस तरह से हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया है, हेलिकल टाइप कैम शाफ्ट. अब इसमें अपीयरेंस अप्लाई करेंगे. अपीयरेंस में हमें स्टील सिलेक्ट करना है, मेटल स्टील. स्टील में यहां पे देखिए सैटिन फिनिश स्टेनलेस स्टील, इसे सिलेक्ट करना है. अब जो हमने रिवॉल्व कट क्रिएट किए थे, जो अप्लाई किए थे उन्हें सिलेक्ट करना है. फिर यहाँ पे अपीयरेंस में जाना है. अपीयरेंस में जाने के बाद यहाँ पे कास्ट स्टेनलेस स्टील, इसे अप्लाई कर देना है. अब फिर से यहाँ पे कट रिवॉल्व सिलेक्ट करना है. फिर यहाँ पे एडिट अपीयरेंस में जाना है. और यहाँ पे हम इसका कलर ब्लैक अप्लाई करेंगे और ओके कर देना है. देखिए इस तरह से हमारा कंपोनेंट बहुत अच्छी तरीके से हमने क्रिएट कर दिया है. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कोई नया प्रोजेक्ट लेकर. तब तक के लिए गुड बाय.